सो दोस्तों आज सुनाएंगे हम आपको जामो गांव की दास्तां। तो दोस्तों इस गांव ये गांव पहले तो रुद्रप्रयाग के ज़िले में और केदारनाथ के रूट फाटा के ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर ये गांव पड़ता है। और इस गांव में 3 हेलीपैड बने हैं जिन हेलीपैडों की मदद से ये गांव उन्नति की ओर पर है। और इधर बहुत सारे लॉज हैं, मतलब कम से कम इस रोड पे 3 किलोमीटर के जरिए में 20-30 से ऊपर लॉज बना रखे हैं। तो दोस्तों ये लोग इन्हीं बातों पे, इन लॉजों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ये खेती बाड़ी भी करते हैं, जो आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे हम। तो इस ब्लॉग को पूरा देखना एंड तक और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल। हेलो दोस्तों, राम राम, आपका स्वागत है राम ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, होप आप लोग बड़े होंगे जगह सुने। तो दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो को प्यार और सपोर्ट दिखाया है थोड़ा थोड़ा, तो उस वीडियो को भी इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाना। तो आज हम सुनाने वाले हैं इस जामो गाँव की एक नई दास्तां, एक छोटी सी दास्तां है कि मतलब इस गाँव का कल्चर है, जो भी है इस गाँव का, वो सब दिखाएंगे आप हमको, हम तुमको सब चीज़ दिखाएंगे। तो दोस्तों शब्द में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती तो माफ़ी चाहते हैं। तो ये देख सकते हो ये हमारा लॉज है, हमने दिखाया तुम्हें लॉज पहले भी दिखाया था और अभी भी दिखा रहा हूँ, ये हमारा लॉज है पूरा, जो हमने ये जो चाचा जी हमारे नितिन नोटिया चाची उन्होंने ले रखा है 16 साल के लीज पे, अभी बताया बात पिछले ब्लॉग में ही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ के लोग अपनी ज़मीन को बेचते नहीं है। तो इस वीडियो में पहले आप लोग पूरा देखना, आपको ब्लॉग के माध्यम से सारी चीज़ बताई जाएगी, एंड तक ब्लॉग वॉच जरूर करना। तो ऐसे लॉज है सबके, देखो ये रूम देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 टोटल 13 रूम है इधर। और ये ग्राउंड है, बड़ा सा ग्राउंड। और ये रूम देखो कैसे है, एकदम मस्त लग्जरी से रूम है अंदर के लिए। बाहर से टीन सेट है बट इधर टीन सेट ही बनाते हैं, बाहर से फुल बनाते हैं, बाहर से टीन सेट अंदर से फुल लग्जरी रूम है पूरे। अगर किसी को यहाँ विजिट करना हो तो हमारे इस चैनल पे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो हमें। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी यही है जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, राउत ब्लॉग एक्सिपल 1, इसी के नाम से। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, लास्ट तक फुल वीडियो वॉच जरूर करना। तो दोस्तों ये है जामो गाँव वालों के लॉज, क्योंकि ये वो देखो कितने लॉज है, सारे लॉज ही लॉज हैं। और इनमें देखो यात्री रुक रुके हैं गाड़ियाँ, और शाम को रुकते हैं सबसे ज़्यादा। और वो हमारा वाला है वो बीच, ये देखो वो गोल में दिखाई दे रहा है तुमको, जो है जिस छत में हरी टंकी है उसके नीचे वाला, वो हमारा वाला है। फिर देखो पूरे लॉज, अभी और दिखाता हूँ मैं आगे की साइड से। तो दोस्तों जैसे यहाँ के लोगों के लॉज है, इन लॉजों को लोग लीज पे देते हैं, मतलब किराए पे देते हैं 6 महीने के लिए। और उस साल भर का एग्रीमेंट होता है, पर 6 महीने यूज़ करते हैं लोग, उसके बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद इनके पास आ जाता है। पर यहाँ की ज़मीन कोई लोकल आदमी लोकली को दे सकता है, और बाहर के लोगों को नहीं बेचते हैं ये बिल्कुल भी, चाहे उनको कितना भी अमाउंट क्यों ना पे करें, अगर किसी की मजबूरी होगी तो ही बेचते हैं, वरना नहीं बेचते हैं ये। और वैसे ही कुछ सीन इधर का भी है, हमारा जो ये नोटियाल जी हमारे चाचा जी, उन्होंने भी लॉज ले रखा है, उन्होंने 6 मंथ वो क्या बोलते हैं 16 ईयर का ले रखा है वो ज़मीन लीज पे, 16 साल के लिए ले रखी है, और उस पर लॉज खुद बनाया उन्होंने। तो वो 16 साल रखेंगे, उसके बाद जिसकी ज़मीन है उसको वो लॉज और वो ज़मीन पूरी उनकी हो जाएगी। तो ऐसा हाल है इधर का, ऐसा कल्चर है इधर का। और यहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि लॉज बना दिया बस इसी पे डिपेंड है, यहाँ के लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। वो देखो को पीछे धान सुखाने के लिए डाल रखी है, मतलब धान की मंडाई करके वो चौरा है वो सुखाने के लिए। तो अभी खेत में हल लगाया जा रहा है, इनको हम मामा जी कहते हैं, मामा जी हल लगा रहे हैं वो देखो। और यहाँ के लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, वो देखो नीचे तक पूरे खेत, लोगों के घर भी है इधर पे, और कुछ घर उधर है, कुछ देखो उतने ऊपर है ये सड़क यहाँ, और कितनी दूर है घर वो देखो ऊपर, देखो मार्चों की खेती सब चीज़ है इधर। और ये पूरा जंगल है ऊपर की साइड, घर भी है बट जंगल भी है, पूरा प्रॉपर जंगल, वो देखो पूरा यहाँ तक जंगल ही जंगल है, पूरा साइड साइड जंगल। अरे ये साइड है आपका केदारनाथ, यहाँ वो देखो, तो अभी जा रहे हैं हम घर की तरफ पूरा हल लगाने के बाद। ये पिच्छू आ रहा है, ये देखो मंडुए की खेती, ये वो देखो नीचे पर मार्केट जाम लगा है उधर फुल,
लोगों ने बाड़ कर रखे इधर, हमारे खेत में कोई घुसे ना। ये देखो सब्जी, चीमी, राजमा, ब्लॉग में एंड तक बने रहे। चुके मामा जी के घर पे, ये है मामा जी की कोठी हवेली। और देखो हल लगाते लगाते क्या हो गया, हल हमारा बैंड हो गया, वो देखो ऊपर उड़ गया वो, एक जो पत्थर लगने से। और देखो बैंगन, देखो बाप रे बाप इतना बड़ा बैंगन वो देखो। अरे ककड़ी देखो इधर, ये देखो ऐसी सब्जी है इधर, मिर्च की खेती, वो रेड रेड पूरी मिर्च है। और वो देखो बैंगन लगे है, सबसे बड़ा बैंगन ही देखो, कितना बड़ा बैंगन है ये देखो। दोस्तों आपने इस ब्लॉग को पूरा देखा होगा एंड तक, तो एक कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब, जैसे आपने पिछली वीडियो को, पिछली वाली वीडियो जो चल रही है उनको प्यार और सपोर्ट दिखाया वैसे।